गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर हो रही है चाय। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं किचन से, और अभी हो रहे हैं आई थिंक 9 बज रहे हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनको स्कूल छोड़ दिया, थोड़ा सा आके आराम किया। अब हो रहे हैं 9:30, तो मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय और ब्रेकफास्ट, और दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है किचन में। आइए, मशीन में लगाए थे मैंने कपड़े, कपड़े हो चुके हैं। अब मैंने आटा गूंदा था, तो ये है प्याज और हरा प्याज और मेथी का आटा। तो ये हम लंच में खाने वाले हैं, और मैं एक ब्रेकफास्ट भी खाऊंगी। यहाँ पर हो रही है चाय, और घर में बिल्कुल है सन्नाटा, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, अजीत अभी भी सो रहे हैं। उठाऊंगी मैं अराउंड आफ्टर 10 मिनट्स। तो अजीत का आज ऑफिस है, उनको ऑफिस जाना है, तो वो जल्दी उठेंगे। नॉर्मली वो 11 बजे करीब उठते हैं, बट आज वो 9:45 उठने वाले हैं, तो उनको मैं जाके उठाऊंगी। अभी जब चाय बन जाएगी मेरी, मैं जाऊंगी अंदर, फिर गुड मॉर्निंग बोलूंगी, और फिर वो आज चले जाएंगे। तो उनको बहुत मिस करूंगी मैं यार। वो घर में ना, घर से काम करते तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब सामने रहते हैं मेरे, और मैं घर में अकेली नहीं रहती हूँ। अगर उनका ऑफिस शुरू हो गया रेगुलर बेसिस पे अगर, तो मैं तो इतना बोर हो जाऊंगी घर पे अकेले। बच्चा आए तो ये क्या हो गया। चाय मुझे हमेशा कड़क वाली पसंद है, एकदम ऐसे अच्छे से बॉईल की हुई। और हाँ, एक सुबह से पैकेज भी आ गया है, देखना है मुझे क्या है। बड़ा सा पैकेज आया है, तो ये पैकेज आया है जूक से, और ये भेजा है मेरे भाई ने, तो इसको मैं ओपन करूंगी और दिखाऊंगी आपको बाद में। हे गुड मॉर्निंग, उठ गए? देखो अपना ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ मैं। आपको खाना है? बेड पे जैसे फिल्मों में होता है, बाहर के लोग बोलते हैं बेड टी, बर्थडे विश करते हैं ऑन द बेड ओलिया, जो है ना, जो आंखों में रोशनी आ रही है। मैंने बताया जा रहे हो ऑफिस, हाँ मैं कितना मिस करने वाली हूँ मैं कितना मैं रोऊंगी। दिल करे पसंद नहीं है बिल्कुल गाना गाना सुनना इनको, ना है ना। सो के उठो तो ऐसा लग रहा है कि कितना फ्रेश हो, साला हम फ्रेश होके फ्रेश नहीं लगते हैं, ये सो के उठ के भी कितना फ्रेश लग रहे हैं। अजीत कुर्ता प्रेस कर रहे हैं, क्या हो गया? प्रेस करके हो गया? मैं रख दूंगी, छोड़ दो आप। नहीं, हो गया। और इनका आज एथनिक वेयर है, कुर्ता एंड पजामा है जो ये? नहीं, धोती है। धोती? अभी अजीत ने कुछ ज्यादा नहीं है, शर्टलेस है, तो मैं आपको पीछे का दिखा देती हूँ व्यू। अजीत हो रहे हैं तैयार, ओहो कयामत कयामत ढा रहे हैं, केसरिया मेरा इश्क है पिया रंग जाऊं मैं तो। यार ऐसे क्यों जा रहे हो, इतना ज्यादा रेडी क्यों हो रहे हो आप यार? इतना ज्यादा बोला मैंने, शादी पे जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो? एथनिक वेयर यार। तो अजीत हो गए हैं तैयार, सामान सब रख लिया है, बनाना ले लिया, पानी की बोतल ले ली, चाबी ले ली, घड़ी ले ली, सब जा रहे हैं। अब उसके बाद मैं करूंगी अपना, जो मुझे आया है ना, जो मेरा राखी का गिफ्ट आया है। अच्छा, यस, गगन ने भेजा है, उसकी करूंगी अनबॉक्सिंग अभी मैं। यस, तो मैंने ये बैग ऑलमोस्ट ओपन कर लिया है, जू से है, एंड देखिए मेरे पास पहले ही बैग है यहाँ से। वाओ, सो नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये जो है ना, रक्षाबंधन तो भी टाइम है, बट मुझे उसने ऐसे ही भेजा है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज यू नो आई लव जू ब्रांड का बैग, एंड लाइक मैंने, मेरे पास पहले भी एक है, मैं उसका हुआ तो फोटो ढूंढ के डाल, आई विल पुट इट हियर। तो वो भी टोट बैग था, एंड मुझे पसंद है, बहुत पसंद है टोट बैग, इसकी क्वालिटी इज वेरी नाइस। और इसमें देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर एक पॉकेट है बड़ा सा, और यहाँ पर भी एक पॉकेट है, और पीछे भी देखिए जिप है, एंड क्वालिटी इज वेरी गुड। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए बड़ी सी जिप है इसमें, ये पूरा वो है, इसको आप निकाल दोगे तो शेप होल्ड करने के लिए। और अंदर देखिए, अंदर भी एक इसमें जिप है, आपको दिखाती हूँ इसकी जिप, अंदर भी जिप है इस तरह से, और काफी स्पेशियस है, आपको मैं सब निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए सो मच स्पेशियस, कितना कितनी जगह है। इसका पैटर्न, मुझको इसका पैटर्न बहुत पसंद आया, बहुत मतलब बहुत, इट लुक्स सो नाइस। और ये जो है ना, हर ड्रेस पे जाएगा, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, या गोइंग ऑनरिंग एयरपोर्ट, और कहाँ, पिकनिक के लिए, फ्रेंड्स फैमिली के यहाँ पर मिलने के लिए, शॉपिंग के लिए, कहाँ भी गेट टुगेदर के लिए, आप हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, विद इंडियन वेस्टर्न, इट्स वेरी नाइस।
तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे अपने फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए, भाभी के लिए, मम्मी के लिए, किसके लिए भी कर सकते हैं यूज। आपको उनके पास बहुत अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको टोट बैग नहीं पसंद है या आपको चाहिए कि छोटा बैग होना चाहिए, क्रॉस बॉडी स्लिंग होना चाहिए, होबो बैग होना चाहिए, अलग अलग पैटर्न के बैग आपको मिल जाएंगे। तो उनकी वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ मैं, आपको मिल जाएगी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, आप शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन तो आप मेरा जो कूपन कोड है YT Garima 10, आप अगर यूज करेंगे ना वाई प्लेसिंग द ऑर्डर, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लविंग दिस। अभी हो रहे हैं, टाइम हो रहा है बच्चों को पिकअप करने का। कोई आया है, देखो कौन आया, कौन आया। तो बच्चों को पिकअप करने टाइम हो गया है, अभी चले गए हैं ऑफिस और बस बच्चों को पिकअप करके आऊंगी एंड फिर उसके बाद बात करूंगी आपसे। बस मुझे जाना है जल्दी से। उसके पहले मुझे कुछ कपड़े रखने हैं, कपड़े रखे थे फोल्ड करके, इसको सेट कर दूंगी फिर जाऊंगी। सो बस अभी आपको आने के बाद पता नहीं मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा, तो ब्लॉग करूंगी मैं। पता नहीं यार, बच्चे आ जाएंगे तो पता नहीं। तो मैं हो गई हूँ तैयार, बस निकल रही हूँ, चलिए चलते। यहाँ पर ना पूरा गंदा हो गया ये, क्योंकि कलर का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, बिल्डिंग का पेंटिंग का, जिसके लिए थोड़ा मैस है। फिर काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आई थिंक ठीक हो जाएगा। लिफ्ट भी आ गई है, चलते हैं लिफ्ट के अंदर। बच्चों को मैंने बोला पापा नहीं आएंगे, नॉर्मली अजीत जाके अजीत लेने जाते हैं, बट आई टोल्ड बच्चों को कि पापा नहीं आएंगे, मैं आऊँगी, मेरा वेट करना। नॉर्मली ये टाइम पे मैं जो है अजीत के लिए खाना बना के देती हूँ, तैयारी करती रहती हूँ। अभी बच्चों को पिकअप कर लिया, हम जा रही हूँ घर पे, तो चली गई आगे। कहाँ पर है निष्ठा? निष्ठा डी, ओए हमारी निष्ठा बेबी, शुड यू कॉल द लिफ्ट निष्ठा एंड माय पिंक सैंडल्स। निष्ठा, हाँ डर गए डराने वाला। आते ही मुकाबला, ये देखो दिखाना है अपना, स्कूल में डांस सिखाया मुकाबला का, तो वो डांस देखूंगी। हाँ रीडे, अभी देखना देखना डांस अभी अभी। हाँ, चलियो। ए, बाल कैसे हो गए रीदे, पूरे ऐसे हवा में उड़ गए ऐसे ऑटो में बैठ के। हाँ व्हाट्स इट रीदे, इधर आ रहे हैं सिंह पापा। गाना शुरू हो गया।